सुपरस्टार बर्ट रेनाल्ड्स का 82 साल की उम्र में निधन। दो फिल्मों के बाद डूबने लगा था करियर अमेरिकन फिल्म मेकर और हॉलीवुड सुपरस्टार बर्ट रेनाल्ड का बीते गुरुवार की सुबह फ्लोरिडा के जुपिटर मेडिकल सेंटर में देहांत हो गया। ये दुखद खबर उनके मैनेजर ने ईमेल के जरिए दी है। बता दें कि बर्ट ने 82 साल की उम्र में दुनिया से विदाई ली। बर्ट के निधन पर उनकी भतीजी नैंसी ली हेल्स ने अपने बयान में कहा, टूटे दिल के साथ मुझे अपने अंकल को अलविदा कहना पड़ा। मेरे अंकल सिर्फ एक मूवी आइकन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे, संवेदनशील और धैर्यवान इंसान थे जो हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पित रहते थे। इसमें उनके दोस्त और एक्टिंग स्कूल के छात्र भी शामिल हैं। बात करें बर्ट के फिल्मी करियर की तो वे बहुत हैंडसम और गुड लुक एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने साल 1972 में फिल्म डेली वेरेंस द लॉन्गेस्ट यार्ड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साल 1977 में आई उनकी फिल्म स्मोकी एंड द बैंडिट भी काफी हिट साबित हुई थी, लेकिन साल 1972 से 1977 के बीच उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी रहीं और इन फिल्मों के बाद उनका करियर डूबने लगा। वहीं 1997 में उन्हें बुगी नाइट्स में सपोर्टिंग एक्टर का रोल अदा करने के लिए अकेडमी अवार्ड मिला। वह दो बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 1990 से 1994 टीवी सीरीज इवनिंग शेड के लिए उन्हें एमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। 70 के दशक में रेनाल्ड्स अपनी ट्रेडमार्क मूछे, अजब लुक और माचो टाइप पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। उन्हें मेल सेक्स सिंबल भी माना जाता था। यहां तक कि वह साल 1972 में वुमन मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन के लिए न्यूड फोटोशूट भी करवा चुके हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो बता दें कि एक ट्रेस लोनी एंडरसन और जूडी करने से शादी की थी, लेकिन जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। वहीं सैली फील्ड और दिनाह शोरे संग वे रोमांस करते नजर आए थे। बता दें कि अंत में उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। बर्ट ने दर्जनों फिल्मों में काम किया जिसमें व्हाइट लाइटनिंग 1973, WW एंड द डिक्सी डेंस किंग 1975, हसल 1975, निकलोडेन 1976, सेमी टप 1977। बता दें कि बर्ट की फिल्में बॉक्स ऑफिस खूब पैसा बटोरती थीं और साल 1978 से लेकर 1982 तक बर्ट सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले स्टार्स में शामिल हुए थे।